दोस्तों आज हम रिवाइंड कर रहे हैं एक सीलिंग फ़ैन की मोटर को। जी हाँ दोस्तों, ये सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है और इसको हम रिवाइंड करेंगे बिना किसी गेज के, ओनली वायर से। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो कनेक्शन वायर है सिर्फ उससे वाइंडिंग करके इसको हाई स्पीड में आज हम चलाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, आप इस वीडियो को जो है पूरा देखें। दोस्तों सबसे पहले हम पीले वायर लेंगे स्टार्टिंग के अंदर, और एक तार जो है हम पीला वायर जो है बंडल से लेकर के उसको हम बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। तो ये पंखा जो है हाई स्पीड में बनने वाला है और आप इजीली इसको 5 से 6 मिनट में बना सकते हैं। तो देखिए, अब आपको तार को पकड़ना है और तार आपको पहले स्टार्टिंग वाले स्लॉट के अंदर डालना है। तो आपको यहाँ पर लगाने 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड और 4 राउंड, 4 राउंड आपको रेगुलर लगाने हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आपको इस तरह से टाइट कर करके 4 राउंड यहाँ पे जो स्लॉट के अंदर मार लेने हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा वाइंडिंग हो रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। तो 4 राउंड इधर लगाने के बाद फिर अगले स्लॉट में आपको जो है या तो लेफ़्ट लगाइए या राइट लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 राउंड लगाने के बाद हम इस साइड चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमको 4 राउंड लगाने हैं, फिर यहाँ पे भी हमको 4 राउंड लगाने हैं। सभी के अंदर हम 4 राउंड लगा लेते चले जाते हैं। आपको घुमाव एक साइड उल्टा रखना है, फिर उल्टा रखना है, फिर उल्टा रखना है, फिर उल्टा रखना है, ऐसे आपको चलना है। एक बार आपको उल्टा, एक बार आपको फिर उल्टा, जैसे हम मशीन से राउंड लगाते हैं उल्टे से उल्टे, इसी तरह से हमको यहाँ पे हाथ से भी 4-4 राउंड आपको वायर के जो है लगाने हैं। आप इसकी वाइंडिंग करने के लिए कॉपर वायर का यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम वायर का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी वाइंडिंग स्टार्टिंग में हमने जो है कंप्लीट कर दी है। अब इस तार को हम काट करके ऊपर की तरफ निकाल लेंगे एक तार के माध्यम से, और साथ में इसके एक रनिंग का तार भी हम ले लेते हैं ताकि वो भी ऊपर की तरफ निकल जाए और हम इसको जो है धागे की मदद से ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। तो हमारे 2 स्टार्टिंग के तार ऊपर निकल गए हैं और एक रनिंग का निकल गया है। रनिंग में हम रेड वायर का यूज़ करेंगे और रनिंग में भी हम 4-4 राउंड लगाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हम 4-4 राउंड जो है इजीली लगा सकते हैं। आपको जो एक वायर है ये इतना मोटा लेना है कि स्लॉट के अंदर आराम से आ जाए। जी हाँ दोस्तों, ये कनेक्शन वायर का हम यूज़ कर रहे हैं, ये आपको ईजिली मार्केट में जो है मिल जाएगा। देख सकते हैं हम 4-4 राउंड लगा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं, काम की वीडियो लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमने उल्टे सीधे करके जो है राउंड मारने 4-4। तो देखिए हमारी वाइंडिंग कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और ये इजीली वाइंडिंग हो जाएगा आपका 5 से 7 मिनट के अंदर, और आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। आपका 20 से 30 रुपए का वायर का खर्चा आपका बस लगेगा। देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको वाइंडिंग कर लिया है कम्प्लीटली। यहाँ पे वाइंडिंग ख़त्म होने के बाद जो हमारा तार बचता है उसको भी हम ऊपर की तरफ निकाल लेंगे, इसको भी हम सुई की मदद से और धागे की मदद से ऊपर की तरफ जो है खींच लेते हैं। हमारी वाइंडिंग कम्प्लीट हो चुकी है, अब हम इसको फिट कर देते हैं। तो इसको आप अच्छे से फिट कर दें। और इसके पेच जो है अच्छे से टाइट लगा दें। अब हम इसको आपको चलाकर जो है दिखाते हैं।
इसके तीन पेच होते हैं, तीनों पेचों को आप अच्छे से लगा ले, अच्छे से टाइट कर ले, और पंखे के बैरिंग को भी आप एक बार चेक ज़रूर कर ले कि कहीं वो जाम ना हो। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी पंखा हमारा थोड़ा थोड़ा जाम लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसको ठोक करके इसको नरम कर लेते हैं। देखिए पंखा हमारा बिल्कुल सही हो गया है। अब इसका एक रनिंग और स्टार्टिंग का तार हमने जो ज्वाइंट किया था उसको ऐसे ही रहने दें, बाकी बचे दो तारों में आपको कैपेसिटर जोड़ लेना है। जी हाँ दोस्तों, कैपेसिटर आपको जोड़ लेना है 3.15 का, और आपको फिर क्या करना है, कैपेसिटर को फिट कर लेना है पंखे के अंदर। अब आपको जो है एक कॉमन तार जो हमने बनाया उसमें सप्लाई देना है, एक रेड वायर जो है उस पर सप्लाई आपको देना है, और बाकी बचे हुए कैपेसिटर के पीले तार जो कि स्टार्टिंग का, उसको हम अलग कर देते हैं। तो ये दो तारें हमें इसमें सप्लाई दे के आपको अब दिखाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यह जो वीडियो है ये फैक वाइंडिंग की वीडियो है, और मैंने ये वीडियो यूट्यूब पर देखी थी। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सारे भाई इस तरह की वीडियो देखकर बुद्धू बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अपना नुकसान करते हैं, टाइम का भी और पैसे का भी। देखिए यहाँ पे जैसे ही बटन ऑन करता हूँ तो वायर नीचे से जो है जल जा रहा है। ठीक है, तो आप जो है इस तरह की वाइंडिंग ना करें, अपने पैसे को बर्बाद ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आज तक पहले कभी हमने इस तरह का वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन अब हमने वीडियो बनाया है, क्योंकि इस तरह की जो वीडियो डालते हैं झूठी यूट्यूब पे, वो काफ़ी सारे व्यू के चक्कर में रहते हैं, और आप लोगों को इससे परेशानी होती है, गलत नॉलेज मिलती है, आप लोग अपना टाइम खराब करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इससे कुछ भी बात नहीं बनने वाली है। मैं इसको एक बार जो है यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ, दोबारा से चेक करके दिखाता हूँ। तो जैसे हम इसमें सप्लाई देंगे दोस्तों, क्या होगा, तो सबसे पहले एक काम ना करें, कर रहे हैं तो आप दूसरा पेचकस ले लें और तारों को अच्छे से दूर रखें, क्योंकि कई बार ये तार भी चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दूर करके आप जैसे हम सप्लाई देते हैं, देखिए तार जल गया अभी पंखा के। तो दोस्तों हमारा मकसद यही था कि आपको सच बताया जाए। इस तरह की जो वाइंडिंग करते हैं यूट्यूब पर, जो वीडियो डालते हैं, वो व्यू के चक्कर में डालते हैं कि व्यू अच्छे मिले, पैसे अच्छे अर्न हो जाएँ, और हम लोगों को बुद्धू बनाते हैं। तो आप इस वीडियो में बस यही था। ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, जय हिंद।